हेलो एवरीवन, वंडरस्लेट में आपका स्वागत है। आज का क्विज विषय है 12th फरवरी करंट अफेयर्स 2019। क्वेश्चन नंबर 1। किस देश द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए 4 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की जा रही है? ऑप्शन ए इसराइल, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 10 फरवरी को भारतीय वायुसेना के लिए 4 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पर की। चिनूक बहुउद्देशीय वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर हैं, जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, उपकरण और ईंधन को ढोने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल मानवीय और आपदा राहत अभियानों में भी किया जाता है। राहत सामग्री पहुंचाने तथा बड़ी संख्या में लोगों को बचाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। 2019 के लिए किस नेता को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए अब्देल फताह अल सिसी मिस्र, ऑप्शन बी पॉल कागमे रवांडा, ऑप्शन सी उमर अल बशीर सूडान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अब्देल फताह अल सिसी मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को 10 फरवरी को 2020 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। अल सिसी को एक साल की अध्यक्षता के लिए लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अदीस अबाबा इथियोपिया, ऑप्शन बी नैरोबी केन्या, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है ऑप्शन ए अदीस अबाबा इथियोपिया। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। इस ब्लॉक की स्थापना 26 मई 2001 को अदीस अबाबा इथियोपिया में हुई थी और 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 2019 का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन ए एंड्रयू हैरिस, ऑप्शन बी कोरेंटिन मुटेट, ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी राफेल नडाल। सही जवाब है ऑप्शन बी कोरेंटिन मुटेट। कोरेंटिन मुटेट ने 10 फरवरी को चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू हैरिस को सीधे सेटों में हराकर खिताब अपने नाम किया। फ्रांस के 19 साल दूसरी वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने विंबलडन और फ्रेंच ओपन में पूर्व जूनियर युगल विजेता हैरिस को 6-3 से आसानी से जीत दर्ज की थी। क्वेश्चन नंबर 5। किस टीम ने 9 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2019 जीती? ऑप्शन ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन बी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड। सही जवाब है ऑप्शन डी रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड आरएसपीबी ने 9 फरवरी को गत चैंपियन पंजाब पर 3-2 से जीत दर्ज की और 9वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर लिया। हरसाहिब सिंह ने 35 और 45 मिनट में 2 गोल दागे, जबकि दिलप्रीत सिंह ने 57 मिनट में विजेता टीम के लिए गोल किया। पंजाब के लिए रूपिंदर पाल सिंह ने 23 और रमनदीप सिंह ने 60 मिनट में गोल दागा। वहीं पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड पीएसपीबी ने पंजाब एवं सिंध बैंक को 4-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 6। किस मध्य पूर्व देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी घाना।
सही जवाब है ऑप्शन बी। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी ने ऐतिहासिक फैसला लिया अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। अबू धाबी न्याय विभाग DJD ने 9 फरवरी को कहा कि उसने श्रम मामलों में अरबी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को शामिल करके अदालतों के समक्ष दावों के बयान के लिए भाषा के माध्यम का विस्तार कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटेन में इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के शोधकर्ताओं ने एक नई दवा की खोज की है जो अंदर से कैंसर कोशिकाओं को मारती है। इस अभिनव दवा का नाम क्या है? ऑप्शन ए टिसोटोमाब वेदोटिन टीवी, ऑप्शन बी मर्कैप्टोप्यूरिन, ऑप्शन सी साइटेरेबिन, ऑप्शन डी गेमसीटेबिन। सही जवाब है ऑप्शन ए टिसोटोमाब वेदोटिन टीवी। टिसोटोमाब वेदोटिन टीवी नामक नई दवा यूके में इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए एक विषाक्त पदार्थ जारी करती है। यह कई कैंसर कोशिकाओं की सतह पर उच्च स्तर पर मौजूद टिश्यू फैक्टर नामक एक रिसेप्टर की तलाश करने और उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए रोमा, ऑप्शन बी द फेवरेट, ऑप्शन सी द किड हू वुड बी किंग, ऑप्शन डी बोहेमियन रोडेशिया। सही जवाब है ऑप्शन ए रोमा। रॉयल एल्बर्ट हॉल में 10 फरवरी को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया। ओलिविया कोलमैन अभिनीत द फेवरेट 12 नामांकनों के साथ बाफ्टा 2019 में फेवरेट पसंदीदा रही। फिल्म द फेवरेट ने 7 सम्मान जीते और मैक्सिकन ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा रोमा ने कल रात लंदन में ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2019 में 4 बड़ी जीत दर्ज की। क्वेश्चन नंबर 9। पीएस संगमा के बाद मेघालय के किस स्टेडियम का नाम बदला जाएगा? ऑप्शन ए डिक्की बांदी स्टेडियम, ऑप्शन बी एनएससी इंडोर स्टेडियम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए डिक्की बांदी स्टेडियम। डिक्की बांदी एमपी स्टेडियम तुरा मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस क्रिकेट टीम ने 2019 रणजी ट्रॉफी प्राप्त की है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी विदर्भ। सही जवाब है ऑप्शन डी विदर्भ। दूसरी बार विदर्भ ने नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आयोजित 2018-19 सत्र के अंतिम मैच में रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र को 78 रन से हराकर जीती। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे तेज T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी स्मृति मंधना, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी एकता बिष्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी स्मृति मंधना। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T-20 में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ा और वेलिंगटन में सिर्फ 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर ईटानगर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और सेला टनल का उद्घाटन किया है और साथ ही डीडी अरुण प्रभा चैनल का शुभारंभ भी किया है। क्वेश्चन नंबर 13। 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके डॉ. अजय शेष को किस देश में सर्टिफिकेशन मेकिंग द स्टेज की पदवी से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। छत्तीसगढ़ के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, चिकित्सक व प्रशिक्षक डॉ. अजय शेष जो 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, उन्हें हाल ही में सिंगापुर में सर्टिफिकेशन मेकिंग द स्टेज की पदवी से सम्मानित किया गया है। साथ ही वे टॉप माइनस 50 वक्ताओं की सूची में शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के किस शहर में हाल ही में देश का दूसरा रोबोट रेस्तरां खोला गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पुणे। सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। हाल ही में भारत के हैदराबाद शहर में देश का दूसरा रोबोट रेस्तरां खोला गया है। हैदराबाद के अलकजर मॉल में रोबो किचन नाम के रेस्तरां में रोबोट खाना परोस रहे हैं। देश का पहला रोबोट रेस्तरां चेन्नई के पोरूर में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसने हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी हरसिमरत कौर बादल। सही जवाब है ऑप्शन डी हरसिमरत कौर बादल। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के ग्राम सिंघान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। 2018 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में किस एयरलाइन को 55.1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है? ऑप्शन ए फ्रैंकलिन एयरलाइन, ऑप्शन बी स्पाइसजेट एयरलाइन, ऑप्शन सी एयर इंडिया एयरलाइन, ऑप्शन डी किंगफिशर एयरलाइन। सही जवाब है ऑप्शन बी स्पाइसजेट एयरलाइन। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में स्पाइसजेट एयरलाइन को 55.1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि वर्ष 2017 की दिसंबर तिमाही में 240 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में फेसबुक के द्वारा फेक न्यूज रोकने के लिए चलाए जा रहे थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम में कितने नए पार्टनर को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 2 नए पार्टनर, ऑप्शन बी 3 नए पार्टनर, ऑप्शन सी 4 नए पार्टनर, ऑप्शन डी 5 नए पार्टनर। सही जवाब है ऑप्शन डी 5 नए पार्टनर। हाल ही में फेसबुक के द्वारा भारत में फेक न्यूज रोकने के लिए चलाए जा रहे थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम में 5 नए पार्टनर इंडिया टुडे ग्रुप, विश्वासन न्यूज, फैक्टली न्यूज मोबाइल और फैक्ट क्रिसेंडो को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने __ ऑप्शन ए अनंतनाग, ऑप्शन बी बुधगम, ऑप्शन सी उदामपुर, ऑप्शन डी लद्दाख। सही जवाब है ऑप्शन डी लद्दाख। हाल ही में लद्दाख को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक अलग डिवीजन या मंडल घोषित किया है, जिससे अब राज्य में 3 प्रशासनिक इकाइयां जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्यरत हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में ICC T-20 गेंदबाजों की रैंकिंग में कौन सा गेंदबाज दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए आर अश्विन, ऑप्शन बी
युजवेंद्र चहल ऑप्शन सी, कुलदीप यादव ऑप्शन डी, हार्दिक पंड्या। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुलदीप यादव। हाल ही में जारी की गई आईसीसी T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में चाइना मैन कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में कुलदीप यादव ने 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गुड़गांव के 4 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई। चेन्नई में आयोजित किए गए नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गुड़गांव के 4 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। एकल कैटेगरी में आयुष चौहान ब्रॉन्ज मेडल और ग्रुप इवेंट में आयुष दास, असहज और नियति ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 21। पूर्व ब्यूटी क्वीन याजमिन मोरल्स ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ऑस्कर एरियस पर यौन शोषण का आरोप लगाया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी कोस्टा रिका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सही जवाब है ऑप्शन सी कोस्टा रिका। पूर्व ब्यूटी क्वीन याजमिन मोरल्स ने हाल ही में कोस्टा रिका के पूर्व राष्ट्रपति ऑस्कर एरियस पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोस्टा रिका के पूर्व राष्ट्रपति ऑस्कर एरियस ने वर्ष 2015 में उनके साथ यौन शोषण किया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।